भूखे नहीं सोते। और काशी में तो ये परंपरा रही है, काशी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा पड़ोसी भूखा सो जाए और हम चैन से सो जाएं, यह परंपरा नहीं रही है। काशी में हमेशा लोगों ने एक दूसरे को का ध्यान दिया, उनकी चिंता की है कि यह काशी के लोगों का अपमान उन्होंने किया है, काशी की परंपरा का की खिल्ली उड़ाई है, काशी की संस्कृति पर प्रहार किया है कि हम मुंबई से कोई आदमी आकर के यहाँ के लोगों को भोजन दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो ना प्रधानमंत्री है, ना कोई नेता है, ना अभिनेता, मतलब अभिनेता तो है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बात करना है सोनू सूद के बारे में, उनकी स्टाइल में बात करेंगे। ऐसा एक अभिनेता है जो ना अमिताभ बच्चन है, ना शशि कपूर है, ना अक्षय कुमार है, ना आमिर खान है, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा एक ब्लेंड अभिनेता है जो सबकी मदद करता है अपनी संस्था के द्वारा, और संस्था के द्वारा मदद करने के बाद उसको क्या मिलता है, बुराइयां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सोनू सूद, जी हां सोनू सूद, वो व्यक्ति जिसके पास ट्विटर पर लिख करके कुछ एक खत भेज दो, एक हाल दिल भेज दो तो उसकी सहायता आ जाती है हिंदुस्तानियों के पास, बनारस के उन मल्लाहों के पास जिनकी कहानियां और जिनका दर्द बताना बाकी है। शायद उस दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे, इस दर्द को समझाने के लिए मुझे कुछ शब्दों का यहां पर विराम देना चाहेंगे। मैं विराम लेना चाहूंगा, अब विराम लेने के बाद बोलना शुरू करता हूं। बनारस के मल्ला, कोरोना जब से फैला और लॉकडाउन जब से चला, तो बनारस के मल्लाओं की जो आजीविका थी अपनी नावों पर आधारित थी, जो पर्यटन करने आते थे लोग, उन्हीं से उनकी कमाई होती थी। लॉकडाउन चल रहा था, सरकार ने उनकी मदद की, उन्होंने उसकी भी तारीफ की। उसके बाद लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होती है कि जब कोई आने को ही तैयार नहीं है बनारस के घाटों पर, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी नहीं की, ना योगी जी ने कभी नहीं की, बस योगी जी तो राम मंदिर का प्रवेश द्वार बनवा रहे थे या वहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके अपना एक पॉलिटिकल फायदा उठा रहे थे, वो उन्होंने उठाया। लेकिन बनारस के ये मलियावाद के वो आम बेचने वाले, वो रिक्शा चलाने वाले, वो सारे लोग कहां गायब हो गए जिनको मदद देनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन सरकार ने उसको समझा एक बोझ, और सोनू सूद जैसे व्यक्ति पर जब होप संस्था के द्वारा अपील की जाती है और सोनू सूद उनको राशन भेजते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गुलगुले खिलाने वाली पार्टी है, जिसके अंदर नफरत बहुत भर भर के भरी है। इसके हिसाब से काम ना हो तो गालियां देनी शुरू कर देती है, मां बहन की गालियां देनी शुरू कर देती है। सोनू सूद का क्या इतिहास रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत से लोगों ने इन पर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के खड़े किए हुए एजेंट हैं, लेकिन सोनू सूद ने सहायता करनी नहीं छोड़ी, चाहे वो बनारस के मल्ला हो, चाहे वो मुंबई के उस एरिया में रहने वाले वो बच्चे हों जिनको उन्होंने मोबाइल भेजे। क्या हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे एमपी क्या ऐसे नहीं हो सकते सोनू सूद जैसे? सोनू सूद पर ऐसी कमाई का राज क्या है? इतने पैसे कहां से आ गए सोनू सूद पर? तो हो सकता है कि सोनू सूद पर ईडी की कार्रवाई भी हो जाए, भैया इतने पैसे कहां से आ रहे हैं सहायता करने के लिए, हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नशा और पूरा जाम बनारस में जब कदम रखा सोनू सूद ने, जैसे कि गुनाह कर दिया। सोनू सूद का गुनाह और भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा बाकी में एकदम से ऐसा नजर आता है जैसे खिसियाई बिल्ली खंभा नोच रही हो। क्या दोस्तों आपको लगता है कि सोनू सूद ने उन नाविकों की, उन मल्लाहों की सहायता करके गलत किया? यह फर्ज योगी सरकार का था, यूपी सरकार का था, प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जो वहां से एमपी हैं, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां सोनू सूद सीधे जाते हैं और सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री तक क्या आवाज नहीं पहुंचती उन भूखे मर रहे लोगों की? या केवल झूठे शौचालय बनवाने में उनका ध्यान था, जो टूट भी गए, जो बूट भी गए, जो कूट भी गए? प्रधानमंत्री मोदी जी की असीमता जो है ना, जो जुबान है झूठी पड़ गई है, झूठे पड़ गए प्रधानमंत्री, जो बात बोलते हैं उसका झूठी बोलते हैं, देश बहुत रहा है चीन से और सबसे, मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे हैं। सोनू सूद ने क्या कोई गलत हरकत की?
दोस्तों इस पर पहला कमेंट चाहिए। दूसरा कमेंट चाहिए मुझे आपका कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या फर्ज था, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सोनू सूद को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उन पर आरोप लगाना जायज था। मैं एक NDTV की रिपोर्ट दिखाऊंगा सोनू सूद के बारे में जो मैं शुरू में डाल चुका हूंगा, यह आप डाल देता हूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। यह NDTV की रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों, इससे आपको क्या लगता है कितनी दुर्भावना कितनी नफरत लेके जी रहे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं सोचते कि सब हम हिंदुस्तानी हैं। अगर सोनू सूद ने मदद कर दी या राजीव या राहुल गांधी ने मदद कर दी या किसी ने मदद कर दी तो अच्छा किया, तो उसको थैंक यू बोलो, उसकी आलोचना क्यों करना, आलोचना में क्यों घुसना। इतनी नफरत कहां से लाते हैं ये लोग, यहां मोहब्बत करने का टाइम नहीं मिलता इन लोगों के पास, तो नफरत करने का और जहर फैलाने का टाइम हमेशा रहता है। ओवर टाइम भी करते हैं शायद, चाहे संबित पात्रा हो चाहे इनके पाले हुए मीडिया के वो लोग हों, आप जानते हैं दोस्तों सच्चाई। तो सोनू सूद के लिए मैं चाहता हूं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं सोनू सूद जी के लिए। सोनू सूद भाई आप काम करते रहिए, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सोनू, यू आर द ग्रेट पर्सन एंड यू आर द ग्रेट ह्यूमन बींग। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी में बोल सकता हूँ दोस्त, तो सैल्यूट टू सोनू।